हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने चैनल कुकिंग विद शेफ आसू में। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं, आलू और चीज़ से बनी हुई एक शानदार रेसिपी। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उन्हें अच्छे से वाश करके पील करके पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। इन स्लाइसेस को एक बार फिर से पानी से धो लेंगे। एक बाउल में इन स्लाइसेस को डाल के मिलाएंगे इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरिगानो और मिक्स हर्ब्स, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और नमक स्वाद के अनुसार। मिलाएंगे 1 टेबल स्पून मैदा और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बच्चों की बहुत ही मनपसंद डिश है, एक बार जरूर ट्राई करें। पैन गरम करके थोड़े से तेल को अच्छे से फैला लेंगे। आलू की स्लाइसेस को पैन के ऊपर अच्छे से अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें स्लाइसेस के बीच में ज़्यादा गैप न दें। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आलू को हमने अच्छे से अरेंज कर लिया है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और अब आलू को कवर करके पका लेंगे। लगभग 3 मिनट पकाने के बाद ऊपर से मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारा मोजरेला चीज़। अब इसके ऊपर आलू की दूसरी लेयर बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहली लेयर बनाई थी। चीज़ को आलू से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। अब इसे आराम से एक प्लेट में डाल देंगे। आलू की ऊपरी लेयर अभी एकदम से कच्ची है तो अब हम इसे पलटकर पका लेंगे। बस पलटते वक्त थोड़ा सावधानी रखें। अब इसे दूसरी साइड भी कम से कम 2-3 मिनट कवर करके पका लें। तो बनकर तैयार हो गई हमारी एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी। अब इसको हम आराम से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर निकाल लेंगे। बहुत ही सुंदर, स्वादिष्ट और एकदम नई रेसिपी है। बाहर से आलू की स्लाइसेस और अंदर से ढेर सारा चीज़, वाह मज़ा आ गया। तो दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिए। कैसी बनी अपने सुझाव मुझ तक ज़रूर भेजिए और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक